नमस्कार। एक एक कर महाविकास अघाड़ी गैंग के नेताओं पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं और उद्धव सरकार के मंत्रियों की कुर्सियां लगातार खाली होती जा रही है। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है। अब आगे भी अन्य मंत्रियों की बारी है। सीबीआई और ईडी जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों की रडार पर चल रही अघाड़ी गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिना करके महाराष्ट्र की आम जनता को शर्मसार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी गैंग के 2 साल पूरे होने पर संजय राउत सामना में सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन ये तो महाराष्ट्र का आम नागरिक अच्छी तरह से जानता है कि अब तक की महाराष्ट्र की सबसे भ्रष्ट सरकार उद्धव सरकार रही है। पिछले 2 साल में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं और इन भ्रष्टाचारों में नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, अनिल परब हो, सरनाईक हो, आनंद हो, अजीत पवार हो, जो डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, उनके सहित कई अगाड़ी के नेताओं ने भ्रष्टाचारों को अंजाम देने की जड़ी लगा रखी है। ये महाराष्ट्र की आम जनता भली भांति जानती है, यानी कि भ्रष्टाचार ही उद्धव सरकार का मुख्य उपलब्धि रहा है। कहा जा सकता है कि सिर्फ भ्रष्टाचारों में विकास हुआ है, आम जनता के लिए किसी तरह का विकास उद्धव सरकार में नहीं हुआ है। सचिन वजे और परमबीर सिंह की जोड़ी ने अघाड़ी गैंग के लिए उगाही करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके चलते अब उन पर कार्रवाई जारी है। सचिन वजे जेल की सलाखों के पीछे है, अनिल देशमुख सलाखों के पीछे है, अजीत पवार को लेकर के 25,000 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा 1,400 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है वो जब्त कर ली गई है। कहा जा सकता है कि पवार परिवार से इस 1,400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का जो मामला है वो सीधे तौर पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उद्धव सरकार की जो उपलब्धि रही वो कंगना रनौत हो, अर्नब गोस्वामी हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, आर्यन खान का केस हो, आदि सैकड़ों मामलों में अघाड़ी गैंग के नेताओं ने जो धांधली की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके बावजूद भी संजय राउत, कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने उद्धव सरकार की पिछले 2 साल में उपलब्धियां गिनाई है। हालांकि इन मामलों को लेकर के संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे। ऊपर से संजय राउत ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता नारायण राणे की तरफ से जो बयानबाजी की गई थी कि मार्च 2022 तक बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी, वो मात्र एक सपना है। ये बात भी संजय राउत की तरफ से कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार को छोड़िए, विपक्ष महाराष्ट्र में एकजुट है या नहीं इस पर गौर कीजिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर संजय राउत चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर ने जो तंज कसा है वो काफी काबिले तारीफ है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये एक वसूली गैंग है और इस वसूली गैंग का जाना निश्चित है। आने वाले समय में जिस तरह से अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया गया था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे को अजीत पवार का इस्तीफा मांगना पड़ेगा और यदि अजीत पवार का इस्तीफा लिया गया तो फिर उद्धव सरकार की छुट्टी होना तय है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा तो ले लिया गया था, लेकिन अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, या यूं कहें कि पवार परिवार की 1,400 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो ईडी ने जब्त कर लिया है, उसको लेकर के उद्धव सरकार में अजीत पवार के इस्तीफे की आवाज उठना भी तय है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस तरह की आवाज उठाई जाएगी। और अजीत पवार से इस्तीफा यदि उद्धव ठाकरे ले लेते हैं तो उसके बाद अजीत पवार इस उद्धव सरकार को गिरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कहीं ना कहीं एनसीपी के नेताओं को बचाने की कोशिश में कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली में डेरा डाले हुए बैठे हैं और अमित शाह के लगातार संपर्क में है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। कुल मिलाकर के अब अजीत पवार उद्धव सरकार के लिए गले की फांस बनने जा रहे हैं। अजीत पवार का इस्तीफा, जिस तरह से आरोप लगे हैं उन पर, जिस तरह से उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, इसके अलावा भी घोटालों के जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला सहकारी बैंक का हुआ है, उसको लेकर के भी आरोप अजीत पवार पर लग चुके हैं। इसको लेकर के यदि अजीत पवार से इस्तीफा उद्धव ठाकरे मांगते हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख से मांगा गया था, तब हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता थोड़ी खुश जरूर हुई थी कि भ्रष्टाचारी एक मंत्री
एक नेता है, उसका इस्तीफा हो चुका और वो जेल जा चुका है। लेकिन अब अजीत पवार को लेकर के यदि उद्धव सरकार द्वारा इस्तीफा मांगा गया, मंत्रिमंडल से बाहर उनका रास्ता दिखाया गया, तो फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि अजीत पवार पहले भी बीजेपी के साथ जाकर के देवेंद्र फडणवीस को की सरकार है वो बना चुके हैं, भले ही वो 2-4 घंटे की, 24 घंटे की सरकार हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने की शपथ पूर्व में भी ले चुके हैं। अजीत पवार को लेकर के अब उद्धव ठाकरे काफी असमंजस में हैं। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली में डेरा डाल करके अपने एनसीपी के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एन केन प्रकारेण किसी भी हद तक जाने के लिए शरद पवार तैयार हैं। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और शरद पवार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली में डेरा डाल रखा है। अमित शाह और बीजेपी नेताओं के लगातार संपर्क में होने की खबरें लगातार आ रही है। ऊपर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये भी दिल्ली में मौजूद है और अमित शाह से लगातार संपर्क में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब बड़ा गेम महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है। सचिन वाजे और परमबीर सिंह की तरफ से जो अगाड़ी गैंग को लेकर के राज खोले जा रहे हैं, उसमें उद्धव सरकार पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी की साख को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसको सुधारने की कोशिश अब शरद पवार करेंगे। कहा जा सकता है कि शरद पवार किसी भी हद तक जाने के लिए कोई बड़ी डील, कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेताओं के साथ कर सकते हैं। सीबीआई और ईडी की रडार पर चल रहे अजीत पवार को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला शरद पवार ले सकते हैं। इसी बीच ये खबर भी आई थी कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, वो बीजेपी नेताओं के साथ डील कर रहे हैं, इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन नारायण राणे की तरफ से साफ कह दिया गया है कि सिर्फ 4 महीने की सरकार उद्धव सरकार बची है। मार्च 2022 में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बिना बनाएगी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के चलते खुद ब खुद गिरेगी। यानी कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गैंग के जो मंत्री हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं, उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा होने पर वो कुर्सियां भी खाली होगी, ऐसे में मंत्रिमंडल भी खाली होगा, तो कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। और अजीत पवार को लेकर के विपक्ष भी जरूर आवाज उठाएगा इस्तीफे को लेकर के, और अजीत पवार का इस्तीफा यदि उद्धव सरकार में हुआ तो फिर निश्चित है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पर संकट के बादल मंडराएंगे और जो जादुई आंकड़ा 145 का, उससे नीचे उद्धव सरकार आएगी, जिसके बाद उद्धव सरकार का गिरना तय है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार किस तरह का बड़ा गेम खेल सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, क्या बीजेपी इस तरह का मौका शरद पवार को देगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही उद्धव सरकार या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी उद्धव सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर आपके क्या विचार हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।